क्या होगा इस नीच मंगल का प्रभाव? वैसे तो मैंने पूरी की पूरी 12 राशियों पर इफेक्ट बताया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे फेसबुक पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पर आखिर कौन सी वो राशियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, कौन सी वो राशियां हैं जिनके जीवन के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या सबसे ज्यादा पड़ेगा, ये तो चर्चा बनती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि चर्चा से ही तो निष्कर्ष निकलता है। और आज जो चर्चा होगी वो यही कि जैसे जैसे मंगल अब आगे बढ़ेगा, नीचता की तरफ बढ़ेगा, नीच डिग्री की तरफ बढ़ेगा, तो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसे वीडियो को पूरा सुनना और अंत तक सुनना, बहुत ज़्यादा राशियों की बात नहीं होगी, पर एक पर्टिकुलर भाव से संबंधित विशेष सावधानी आपको जरूर बताऊंगा। और सावधानी इसलिए भी बताना चाहता हूं क्योंकि मंगल दोस्तों हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इनका प्रभाव हल्का नहीं है। और अभी 10 मई को नीच हुए हैं और अब इनके नीच होने के कारण क्या परेशानियां आ सकती हैं, ये अब मतलब समझने की बात रहेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी सुनना, अंत तक सुनना। मंगल है ना, कहावत कराए दंगल, उत्साह देता है, और नीच हो जाएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा, अत्यधिक उत्साह, कोई भी चीज अत्यधिक मात्रा में होगी ना वो हानिकारक है, संतुलित रहेगी तो ठीक है। इसीलिए अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने से बच जाना, धैर्य बना करके रखना। अगर ये धैर्य खो दिया ना इन 50 दिनों में, तो समझ लो बर्बाद हो जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। और भूमि पुत्र हैं, भूमि से रिलेटेड बड़ी डील करने से बचिए, और अगर करनी भी है तो अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर कर लो, इस महीने के मई महीने के एंड तक कर लो, जून में मत करना। और विशेष रूप से सावधान, भाई और पुत्र, इन दो लोगों के साथ में तनाव बढ़ेगा, इनसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनसे कोई धोखा फरेब या कोई अननेसेसरी ज्वाइंट फैमिली में आप सब रह रहे हैं और मतभेद हो गया पैदा छोटी सी बात पर। आपका उत्साह, आपका शौर्य, आपका सामर्थ्य ये भी बढ़ेगा, आपको चोट का, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, कोई फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल मुकदमा, आप सिपाही हैं, आपका सेना में है, कोई इंक्वायरी चल रही है आपके खिलाफ, ये 50 दिन यानी कि 30 जून तक ध्यान रखना। मेरा तो काम बनता है आपको आगाह करने का, और आज की इस वीडियो में मैं कुछ भी अच्छा 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 बोलने के लिए नहीं आया हूँ और बुरा बोल के डराना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ सावधान करने के लिए आया हूँ कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए। नियम तो मुझ पर भी सेम एप्लीकेबल होंगे क्योंकि नीच मंगल तो मेरा भी किसी न किसी घर में हुआ ही होगा ना, कुंडली तो मेरी भी है तो प्रभाव तो मुझे भी मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उस राशि के विषय में जिसके लिए मंगल नीच का होके तीसरे स्थान में गोचर करेगा, और तीसरा स्थान है ज्योतिष में साहस का, पराक्रम का, विल पावर का, अदम्य साहस का, इच्छा शक्ति का, दृढ़ संकल्प का, छोटे भाई बहनों का, गले का, ऐसी सब चीज़ों का होता है, हिम्मत का होता है, सेना का होता है, विदेश का होता है, चाचा का होता है, मामा का होता है, दमा से रिलेटेड विकार का होता है, खांसी का होता है, हमारी सांस नली का होता है, ऐसी सभी चीज़ों का जो प्रतिनिधित्व है, नौकर का होता है, चाकर का होता है, नौकर चाकर जिसे बोलते हैं, इस घर में मंगल नीच होंगे। इस घर में मंगल का नीच होना अच्छा नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सावधान रहना, अलर्ट रहना। और 1 जून के बाद, क्योंकि ये मंगल नीच रहेगा 30 जून तक, तो विशेष रूप से 15 जून के बाद ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि 15 जून के बाद से मंगल धीरे धीरे परम नीच डिग्रियों की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए वृष राशि वालों,
यही मेरे को आगाह आपको करना था जो मैंने कर दिया। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि ये एक तो ज़्यादा किसी के सुनना पसंद नहीं करते, अपनी चलाते हैं और अपने अनुसार चीज़ों को करना पसंद करते हैं। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य के मंगल मित्र हैं, मंगल भी अग्नि कारक हैं, सूर्य भी अग्नि कारक ग्रह हैं और मंगल नीच के होके 12वें भाव में बैठ जाएंगे। आप किसी अधिकारी से उलझ जाओगे, बेवजह अपने ऊपर कोई दंड ले लोगे फिजूल खर्ची का, वायलेशन कर दोगे कोई रूल रेगुलेशन का, शत्रु पक्ष से कोई हानि उठानी पड़ सकती है, बाहरी असामाजिक तत्वों से हानि हो सकती है। आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, गलत आदतों से, गलत संगति से, गलत लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आपकी पत्रिका में सिंह राशि वालों बंधन योग बन रहा है, इसलिए पीड़ा आ सकती है। आपके भाग्य के स्वामी होकर के 12वें भाव में मंगल नीच होंगे, आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के स्वामी होकर के मंगल 12वें भाव में नीच होंगे और इस घर को कमजोर कर देंगे। और ये कमजोर मंगल अच्छा नहीं है। 15 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान रखना, 15 जून के बाद से जब ये धीरे धीरे नीच डिग्रियों की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद कौन सी राशि है जिसका नंबर लगेगा, नाम है धनु। धनु वालों अष्टम भाव है, जानते हो ना किस चीज का होता अष्टम भाव, ये होता है आयु का, गुप्त धन का, विघ्न बाधाओं का, पुरातत्व विभाग का, प्रेम का, सामुद्रिक विज्ञान का, रिसर्च का और साथ में दीर्घ यात्राओं का होता है। पति पत्नी की आयु का मान इस घर से निकाला जाता है, विघ्न बाधाएं इस घर से देखी जाती हैं और इस घर में मंगल नीच होंगे तो कुछ अकस्मात धन लाभ देने का योग तो बनाएंगे, पर जो बाकी की चीजें हैं इनसे संबंधित ध्यान रखना। 15 जून के बाद मंगल अपनी पीक डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, नीच डिग्रियों की तरफ बढ़ेंगे और जब कोई ग्रह पर्टिकुलर अंश पर आकर के परम नीच होता है तो उसकी सोच बिल्कुल नीच हो जाती है, और जब वो चलना शुरू करता है ना नीचता की तरफ तो वो उतना नीच नहीं होता, जब वो वहां पहुंच जाता है तो ज्यादा नीच हो जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में। और राशि का दोस्तों यहाँ पर विशेष रूप से एक राशि है जो कि कुंभ बनती है, कुंभ वालों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुंभ के लिए मंगल ग्रह तृतीय शो के और कर्मेश होकर के 6वें भाव में रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा इस घर में नीच होंगे, अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। 15 जून के बाद थोड़ा विशेष ध्यान रखना, उससे पहले भी रखना है क्योंकि 50 दिन का टाइम है, पर 15 जून के बाद विशेष रूप से। तो दोस्तों ये है आपका फल, अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।